क्वेश्चन नंबर सिक्स, थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51, व्हाट आर दीज इंटीजर्स? कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं जैसे 4, 5 और 6, जो साथ साथ वाले नंबर होते हैं, जैसे 10, 11 और 12। अगर ये वाले नंबर हमें गिवन है 12, 6, 8, दीज आर नॉट द कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। हम मान लेते हैं लेट द थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू। इन तीनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा? 51 के। एक्स प्लस एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 51। एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 3x प्लस वन प्लस टू 3 इज इक्वल टू 51। 3x इज इक्वल टू 51, 3 इधर आकर माइनस का आएगा। 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 3 48, एक्स इज इक्वल टू 48, 3 इधर मल्टीप्लाई में है तो जब इसे राइट साइड में लेके आएंगे तो ये डिवाइड में आएगा, तो ये कैंसिल करके आएगा 16। तो एक्स की वैल्यू आ गई 16। तो जो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है, फर्स्ट नंबर है 16 और सेकंड नंबर है एक्स प्लस वन, तो एक्स की वैल्यू है 16, 16 प्लस वन 17। और जो थर्ड नंबर है एक्स की वैल्यू है 16, 16 प्लस टू 18। तो थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं 16, 17 और 18 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, फाइंड द मल्टीपल्स। हम मान लेते हैं द थ्री कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 आर एक्स, एक्स प्लस 8 एंड एक्स प्लस 16। हम मान लेते हैं 8 के तीन कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं एक्स, एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 16। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, इन तीनों का सम एक्स प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 16 ये किसके इक्वल है? 888 के। तीनों को प्लस करेंगे एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 3x प्लस 8 प्लस 16 24 इज इक्वल टू 888। 3x इज इक्वल टू 888, 24 प्लस का है तो जब इसे इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का आएगा। 3x इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो ये माइनस करके आएगा 864। x इज इक्वल टू 864, 3 इधर मल्टीपल में है तो जब इसे इक्वल टू के इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड में आएगा। x इज इक्वल टू कैंसिल करेंगे 3 के टेबल पर, कैंसिल करके आएगा 288। और जो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 है वो है x, तो x की वैल्यू है 288। नेक्स्ट है x प्लस 8, x की वैल्यू है 288 प्लस 8 तो ये प्लस करके आएगा 296। फिर है x प्लस 16, x की वैल्यू है 288 प्लस 16 तो ये प्लस करके आएगा 304 आंसर। थ्री कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 आर 288, 296 एंड 304। क्वेश्चन नंबर 8, थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली दे ऐड अप टू 74, फाइंड दीज नंबर्स। थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हम मान लेते हैं, लेट द थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर एक्स, एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस टू। व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये तीनों नंबर हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिए हैं, एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4। जो फर्स्ट नंबर है उसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है और जो सेकंड नंबर है इसे हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है,
और जो थर्ड नंबर है इसे हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। दे ऐड अप टू 74 और इन तीनों को हमें ऐड करना है। पहले 2 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 3 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 4 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और तीनों को हम ऐड करेंगे तो ऐड करके आएगा 74। फाइंड दीज नंबर्स, तो हमें ये वाले नंबर्स फाइंड करने हैं। 2x प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, प्लस 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x, प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 इज इक्वल टू 74। प्लस करेंगे 2x प्लस 3x प्लस 4x, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9x, प्लस 3 प्लस 8 11 इज इक्वल टू 74। 9x इज इक्वल टू 74, 11 प्लस का है तो जब इसे इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का आएगा। 9x इज इक्वल टू 74 में से हम 11 माइनस करेंगे तो ये आएगा 63। x इज इक्वल टू 63 ओवर 9, 9 इधर मल्टीप्लाई में है तो जब इसे राइट साइड में लेके आएंगे तो ये डिवाइड में आएगा, कैंसिल करेंगे 7, तो x की वैल्यू आएगी 7। फाइंड दीज नंबर्स, तो हमें ये नंबर फाइंड करने हैं। पहला नंबर है x, तो x की वैल्यू आई है 7। सेकंड नंबर है x प्लस 1, तो x की वैल्यू है 7, 7 प्लस 1, 7 प्लस 1 8। थर्ड नंबर है x प्लस 2, x की वैल्यू है 7, 7 प्लस 2 9। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं 7, 8 और 9 आंसर।